बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज केजरीवाल की पेशी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया हुआ है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी और केजरीवाल को 6 समन जारी कर चुकी है ईडी। कथित शराब घोटाले में ये समन जारी हुए थे। इन सब के बीच ईडी कोर्ट पहुंची थी और अब जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। और सीधे रुख करते हैं, दीपक रावत का हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर? जी देखिए अवधेश, इस वक्त मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर मौजूद हूं। सामने सरकारी आवास है और यहीं से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीबन 10 बजे का वक्त है जब कोर्ट में सुनवाई होगी, उस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल जुड़ेंगे। हालांकि कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आप पेश होना है आपको, क्योंकि आप 5 बार ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं और ईडी ने इस बात को लेकर प्रमुखता से कहा था कि इस तरीके से जाँच आगे नहीं बढ़ पाएगी, ट्रायल पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए मनीष सिसोदिया के मामले में, तो जब तक अरविंद केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ नहीं हो जाती तो फिर आगे कार्रवाई कैसे होगी, जांच कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये वजह है कि ईडी जो है वो कोर्ट पहुंची थी, कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की, फिर आज 17 तारीख का समन भी अरविंद केजरीवाल को दिया गया था कि आपको कोर्ट में पेश होना होगा, जवाब देना होगा कि आखिरकार आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो अरविंद केजरीवाल की दलीलें रही हैं उनको भी समझना होगा। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ईडी इलीगल तौर पर उन्हें समन भेज रही है। बिल्कुल दीपक, और इस बीच एक बड़ी खबर है, कोर्ट में पेश हो गए हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जैसा कि दीपक रावत बता रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है कोर्ट से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल जुड़ गए हैं और सीधे तौर पर वकील जो है वो अपने एप्लीकेशन उन्होंने जो लगाई है उसके मुताबिक उन्होंने रखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है। और कोर्ट में ये भी कहा गया है उनके वकील की तरफ से कि आज जो विश्वास प्रस्ताव है वो पेश किया गया है और उस पर चर्चा होनी है और यही वजह है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो अरविंद केजरीवाल ने कल विधानसभा में प्रस्ताव रखा था, क्योंकि दिल्ली में बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में यह भरोसा कायम रहे कि उनकी सरकार गिरने वाली नहीं है, टूटने वाले नहीं उनके विधायक, इसलिए विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और आज उसी पर चर्चा होनी है। और ऐसे में उनके वकील की तरफ से यह कहा गया है कि विश्वास प्रस्ताव में अरविंद केजरीवाल को भी शामिल होना है, तो इस वजह से वो कोर्ट में नहीं है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़े। तो ये फिलहाल उनके वकील की तरफ से जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई है। जी अवधेश, बिल्कुल दीपक हमारे साथ बने रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको आज की तारीख थी पेश होने की। दीपक, इन सब के बीच जो कानूनी जानकार हैं वो क्या मान रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो रहे हैं, आगे कोई नई तारीख मिलेगी, कोर्ट का सख्त रुख हो सकता है? क्योंकि लगातार कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि अगर आप सामने नहीं आते हैं, पेश नहीं होते, तो जांच डिले होगी। जी अवधेश, इस वक्त इस तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि 19 तारीख यानी कि सोमवार को भी अरविंद केजरीवाल को छठा समन दिया गया है। 19 तारीख को पेश होना है अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर और ऐसे में आज कोर्ट क्या कहता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट ये कहेगा कि पिछली बार 5 समन पर आप क्यों नहीं गए, उसका वजह बताइए। अरविंद केजरीवाल जो अपनी वजह बताते हैं, अगर उससे कोर्ट को लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं तो शायद उनको कुछ रियायत दे दी जाए, लेकिन अगर उनको रियायत नहीं मिलती तो क्या कोर्ट उनसे कहेगा कि जो 19 तारीख का समन है उसमें उनको जाना होगा? तो इसी मामले में सुनवाई चल रही है, जज बैठ चुके हैं, उनके सामने बातें रखी जा रही हैं। पहले तौर पर तो ये बात रखी गई कि आखिर कोर्ट में क्यों नहीं आए, सीधे तौर पर ये कहा गया कि विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस पर चर्चा होनी है, उस पर वोटिंग होनी है, इसलिए वो वहां रहेंगे, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। और इस बात का अभी एक जो जानकारी मिल रही है, इस बात का ईडी ने विरोध किया है, ईडी विरोध कर रही है, ईडी कह रही है कि पीए अपने समन पर भी नहीं आते हैं, 5 बार समन किया गया उस पर नहीं आए और अब कोर्ट में भी नहीं आए। इसमें इन्होंने कहा है कि 16 मार्च को, बड़ी खबर ये भी है कि 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी, 16 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है अवधेश, और उसमें केजरीवाल पेश होंगे। सुबह 10 बजे सुनवाई होगी 16 मार्च को, तो बड़ी जानकारी कोर्ट से इस वक्त की इस पूरे मामले में। बिल्कुल दीपक हमारे साथ बने रहिए, तो एक नया अपडेट है, बता देते हैं दर्शकों को, 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी और सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है। अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होंगे, तो यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में जाना था, पेश होना था, लेकिन विश्वास मत पर चर्चा की वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और अब अगली तारीख 16 मार्च आ गई है। दीपक, 16 मार्च को जो तारीख मिली है इसको लेकर कोर्ट ने क्या कहा है?
जी देखिए, जिस तरीके से मैं पहले भी जानकारी दे रहा था कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि दिल्ली का बजट सत्र चल रहा है, विश्वास प्रस्ताव रखा गया है और इसको ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। तो इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि 16 मार्च इसलिए तब तक बजट सत्र खत्म हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है उस पर भी वोटिंग हो जाएगी, वो भी चीजें खत्म हो जाएगी, इसलिए 16 मार्च की डेट कोर्ट ने दी है ताकि 16 मार्च को आप पहुंच सके। लेकिन इस वक्त ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 16 मार्च को फिजिकली कोर्ट में पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को, ये भी कोर्ट ने साफ कह दिया है। तो ये बड़ी खबर है कि 16 मार्च को पेशी होगी, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा, जिसमें इस बात को लेकर आगे सुनवाई होगी कि समन पर अरविंद केजरीवाल जो नहीं जा रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या उन्हें समन पर जाना चाहिए। ऐसे में जो 19 तारीख का जो समन दिया गया है, 19 तारीख को जो हाजिर होने के लिए कहा गया है, उस मामले में भी अब अरविंद केजरीवाल शायद पेश ना हो, तो सीधे तौर पर 16 मार्च को अब इस पूरे मामले में बड़ी सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। अवधेश बिल्कुल, और दीपक ये भी जानना चाहते हैं जिस तरीके से 5 समन की बात आपने बताई, हर समन की तारीख पर अरविंद केजरीवाल का कोई ना कोई कार्यक्रम रहा, वो या तो दिल्ली से बाहर रहे या तमाम वजह रही, आज अविश्वास मत की बात सामने आ रही है। ईडी की क्या दलील रही आज की इस पूरी सुनवाई के दौरान? देखिए, आज भी ईडी ने यही दलील रखी कि हर बार हम समन भेजते हैं, कोई ना कोई नई वजह बताई दी जाती है कि वो क्यों पेश नहीं हो रहे हैं। पहली बार समन भेजा गया तो कहा गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव में बिजी है, उसके बाद दोबारा समन भेजा गया तो कहा गया कि वो 26 जनवरी वगैरह कार्यक्रम में बिजी है, एक बार समन और भेजा गया तो कहा गया कि विपसना जा रहे हैं, वो हर साल जाते हैं। इस तरीके से 5 बार जब समन भेजे गए और वो पेश नहीं हुए, तो यही वजह कोर्ट का सहारा ईडी को लेना पड़ा। और कोर्ट में ये कहा गया ईडी की तरफ से जब पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान भी, कि अब कोर्ट ही ये तय करे कि क्या इनको समन पर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जांच प्रभावित हो रही है। अरविंद केजरीवाल का नाम कई जगह कई गवाहों ने इस पूरे मामले में जो नई शराब नीति दिल्ली सरकार लेकर आई थी उस पर सामने आया था, तो उनका कहना है कि उन गवाहों ने जो बयान दिए हैं अरविंद केजरीवाल के नाम से, उस पर उनसे पूछताछ होनी है और बिना उनके पूछताछ के जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में तमाम तथ्य भी रखे कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाना चाहिए, वो तारीख तय कर दें या तो कोर्ट तय कर दे कि किस तारीख पर वो ईडी के समन पर आए, कोर्ट ये बता दे कि अरविंद केजरीवाल ये बता दे कि वो किस तारीख पर आना चाहते हैं। इन तमाम मामलों पर कोर्ट सुनवाई कर रही है, लेकिन आज जो दलील दी गई वो दलील बहुत इंपॉर्टेंट थी। दलील ये थी कि बजट सत्र चल रहा है, जो दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र अब मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा, क्योंकि अभी एमएचए से बजट अप्रूव होकर नहीं आया है, जब तक एमएचए से बजट अप्रूव होकर नहीं आएगा तब तक टेबल नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में इसके लिए लंबा वक्त चाहिए, तो बजट सत्र में अभी मार्च का पहला हफ्ता गुजर सकता है। यही वजह है कि ये तारीख दी गई है और कहा गया कि इस तारीख पर बजट सत्र जब खत्म हो जाएगा तो अरविंद केजरीवाल को फिजिकली कोर्ट में पेश होगा, जिसमें उनको यह जवाब देना होगा कि वो अब तक ईडी के समन पर क्यों पेश नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, और ईडी को भी यह जानकारी देनी होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को किस बिना पर वो बुलाना चाहते हैं, क्या उनको आरोपी तय कर दिया गया, उनके ऊपर आरोप तय। बिल्कुल दीपक, सुनते केजरीवाल जी को समन सर हुआ था कि उनको कोर्ट में अपीयर होना है, बिकॉज ईडी का एलिगेशन था कि 174 आईपीसी का उन्होंने वायलेशन किया है, जिसमें 1 मंथ की मैक्सिमम सजा है। आज हमने उनके बयान पर कोर्ट में वकालतनामा लगाया और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उनको आज के दिन पर्सनली एग्जम्प्ट किया जाए, क्योंकि बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, और उनको वीसी के थ्रू वो अपीयर हुए। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और जो एएसजी थे उन्होंने बड़ा फेयरली, हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। 19 तारीख का भी नोटिस दिया हुआ है, क्या 19 तारीख को केजरीवाल जाएंगे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल के वकील, उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने यह दलील रखी गई कि बजट सत्र चल रहा है, इसके साथ ही साथ विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।